बालिका सोठवा की रहने वाली है और वो पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्र वाली स्थिति नहीं थी, पर दोनों सिस्टर जो थी वो अपने घर जाना चाह रही थी। मैंने खोलने की कोशिश की, सहेलियों से बोला, उन्होंने खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो गार्ड बुलाया, उन्होंने खोलने की कोशिश की। नीचे आवास में रहती थी अपनी, उसके जो उसकी रूममेट थी वो उसकी सिस्टर ही थी सगी। तो सवा नई थमराज छात्रावास में बालिकाओं का फांसी लगाकर आत्महत्या करने का सिलसिला। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सोरपुर के पिछड़ा वर्ग बालिका छात्रावास में बालिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्र छात्रावास में रहकर पीजी कॉलेज में एमए की पढ़ाई कर रही थी। लगभग सुबह 8 बजे उसने फांसी लगाकर इस मामले को अंजाम दिया। वहां के लोग पुलिस को बताए और FIR दर्ज कराए। बताया गया कि दो बहनें एक साथ एक ही कमरे में रहती थी और आत्महत्या के मामले में अब पुलिस जांच कर रही है। कलेक्टर श्री संजय कुमार के निर्देशानुसार छात्रावास में आत्महत्या मामले में 3 सदस्य दल गठित किया गया है। SDM मनोज गढ़वाल, महिला बाल विकास अधिकारी पांडे, सामाजिक न्याय विभाग की उपसंचालक सुश्री शशिकरण एक्का को शामिल किया गया है। सियोरपुर से इरशद पठान की रिपोर्ट। बने रहें द खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। बालिका सोठवा की रहने वाली है और वो पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रावास में रहती थी अपनी, उसके जो उसकी रूममेट थी वो उसकी सिस्टर ही थी सगी। तो 8:20 छात्रावास के कर्मचारियों द्वारा हमें फ़ोन पर बताया गया कि छात्रा ने सुसाइड कर ली है, फांसी लगा ली है और सांस चल रही है, तो उसको हम हॉस्पिटल लेके आ गए। हम लोग वहाँ पर तुरंत पहुँचे और उसकी जो बहन है और जो वहाँ पर छात्रावास में उसके बगल के रूम में कक्ष में रहने वाली लड़कियाँ हैं, वो लोग ये पता ही हैं कि कोई ऐसी वाद विवाद वाली स्थिति नहीं थी, पर दोनों सिस्टर जो थी वो अपने घर जाना चाह रही थी और घर जाना चाहने पे एक की मर्ज़ी थी, एक की नहीं थी ऐसा पता चला है। और उसके बाद छोटी सिस्टर जो थी वो नहाने चली गई और जब वो वापस लौटी तो कक्ष अंदर से बंद मिला। उसने खोलने की कोशिश की, सहेलियों से बोला, उन्होंने खोलने की कोशिश की, नहीं खुला तो गार्ड बुलाया, उन्होंने खोलने की कोशिश की नीचे से, और फिर जब खोले तो अंदर देखा कि वो लटक रही थी। तो इन लोगों ने देखा सांस चल रही है और उसको उतारा और यहाँ लेके आ गया और यहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।